हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू फिल सीरीज इन एमएस एक्सेल। एक सीरीज को हम कैसे फॉर्मेटिंग के साथ फिल कर सकते हैं और कैसे विदाउट फॉर्मेटिंग के साथ फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी सीरीज के बारे में समझेंगे। जैसे कि कोई सीरीज है, यहाँ पे डेज की सीरीज है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, हमें वो सीरीज फिल करनी है। फिल करना मैंने पिछली वीडियो में बताया, लेकिन फिल करने के लिए हमको यहाँ से ड्रैग डाउन करना होता है ऐसे। लेकिन हमें सीरीज पूरी फॉर्मेट के साथ फिल करनी है। अगर इसके पीछे येलो बैकग्राउंड है, इसका फॉर्मेट, इसका फॉन्ट सब कुछ फॉर्मेट के साथ करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा फिल सीरीज। तो ये हो गई बिल्कुल एज इट इज़ इसके फॉर्मेट के साथ फिल। जैसे कि इसका फॉर्मेट है ऐसे ही ये फिल हो गई। लेकिन हमें सिर्फ सीरीज़ फिल करनी है, फॉर्मेट नहीं चाहिए। तो उसका तरीका क्या होता है, इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे। अभी तो ये पूरा फॉर्मेट आ गया, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये जो डॉटेड आता है इस पर क्लिक करके हम सिर्फ फिल फॉर्मेटिंग ओनली पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम फिल फॉर्मेटिंग ओनली पर क्लिक करेंगे तो ये इसका फॉर्मेट फिल हो जाएगा। लेकिन हमें फिल विदाउट फॉर्मेटिंग करना है, हमें फॉर्मेट नहीं चाहिए, बस इसकी सीरीज़ फिल करनी है। देखो जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये सीरीज़ तो फिल हो गई लेकिन विदाउट फॉर्मेट फिल हुई है ये। लेकिन हमें सिर्फ खाली फॉर्मेट चाहिए, सीरीज़ फिल नहीं करनी है। मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं चाहिए, उसके पीछे का जो येलो बैकग्राउंड है वो फॉर्मेट चाहिए। तो उसका क्या तरीका होता है, हम इसको नीचे ड्रैग डाउन करेंगे और नीचे जो डॉटेड आ रहा है इस पर क्लिक करके हम सिर्फ फिल फॉर्मेटिंग ओनली पर क्लिक कर देंगे। इसका जो भी फॉर्मेट होगा वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे मंडे अभी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, हमको उसको सेंटर में करना है और बीच में करना है। तो ये नीचे भी हम अगर हम कोई वर्ड लिखेंगे तो वो बीच में ही आएगा। तो इसका पूरा फॉर्मेट फिल हो चुका है ये, लेकिन सीरीज़ फिल नहीं हुई है। तो ये इसमें आ गया फिल फॉर्मेट ओनली। लेकिन जैसे हमें पूरी सीरीज़ तो फिल करनी है और विदाउट फॉर्मेटिंग करनी है, तो इसको मैं कर देता हूँ विदाउट फॉर्मेटिंग। तो देखो फिल तो हो गया, विदाउट फॉर्मेट हो गया, लेकिन मुझे इसमें सैटरडे और संडे इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ वीकडेज चाहिए, जो वर्किंग डेज होते हैं वो इसमें रखना है, और सैटरडे संडे को मुझे इसमें नहीं रखना है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और इसमें फिल वीकडेज पर क्लिक कर दूँगा। तो जो वीकडेज होंगे सिर्फ वही फिल होंगे, बाकी सैटरडे संडे यहाँ से हट जाएंगे। जैसे मैंने वीकडेज पर क्लिक किया तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे हट गया और मंडे फिर वापस से आ गया। तो इस तरह से फिल वीकडेज, तो यहाँ पर इस तरह से वीकडेज फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप कोई सीरीज फिल कर सकते हैं एमएस एक्सेल में अपने काम के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपको फिल करना है। तो ऐसी सीरीज में लेके आता रहता हूँ। इसके अगले वीडियोज में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो नीचे जो लाल वाला बटन है उसको दबा के आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को ऐसी वीडियोज देखने के लिए। और नीचे आई बटन पर लिंक है, उस आई बटन पर लिंक पर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर मैं 100 टॉपिक की 100 वीडियोज लेके आया हूँ अपने चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।